आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। अरे भाई, बात ही कुछ ऐसी है। जी हाँ, मेरे महाराज विक्रम जैसा दानवीर और दयालु इस सारी दुनिया में कोई नहीं है। अरे यही बात तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, और जब आप देखोगे तभी तो जानोगे, और जानोगे तो खुद ही समझ जाओगे ना। बाबा, ये लीजिए अपनी बेटी की शादी के लिए। बड़े शान से उसकी शादी कराना। यदि और धन की आवश्यकता हो तो बिना संकोच हमें कह देना। हमारे होते हमारी प्रजा को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। महाराज विक्रम की जय। महाराज, आप जैसा दयावान और दानवीर राजा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं इसे नहीं मानता। कौन हो तुम? मैं बाली नगर का एक ब्राह्मण हूँ, और हमारे राजा यशोधन से बड़ा दयालु और दानवीर इस पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं है। लगता है आप हमारे महाराज विक्रम के बारे में कुछ जानते ही नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि महाराज यशोधन की कृपा और दानवीरता से हमारे राज्य में कोई भी दुखी नहीं है। होंगे राजा यशोधन दानवीर, लेकिन हमारे महाराज विक्रम से बढ़कर कोई नहीं है। मुंजा, हो सकता है ये ब्राह्मण ठीक कह रहे हो। अब तो पता लगाना ही पड़ेगा कि मेरे महाराज विक्रम से ज्यादा बड़ा दानवीर कौन है। कहीं यही बाली नगर के राजा यशोधन तो नहीं? इस समय कहाँ जा रहे हैं? ओम धन लक्ष्मी नमः। ओम धन लक्ष्मी नमः। ओम धन लक्ष्मी नमः। ओम धन लक्ष्मी नमः। राजा यशोधन, आंखें खोलो। ये लो राजन, इनसे तुम अपनी प्रजा के दुख दूर कर देना। ये लीजिए महामंत्री जी, अब आप ये सिक्के प्रजा में बांट दीजिए। जो आज्ञा महाराज। ओ, ये राजा तो सच में बहुत ही दानवीर और दयालु है। राजा यशोधन के बारे में जो भी कुछ उस ब्राह्मण ने कहा वो सच निकला। हाँ महाराज, मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ। मुझे खुशी हो रही है कि ऐसा महान और दानवीर राजा हमारा पड़ोसी है। मुंजा, हम राजा यशोधन से मिलकर उन्हें बधाई देना चाहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा महाराज, हमें अवश्य मिलना चाहिए। महाराज, यही है वो मंदिर। लेकिन मुंजा, वो मूर्ति कहाँ है? परसों रात को तो मैंने यहीं पे देखी थी। कौन हो तुम लोग? महाराज, यही है राजा यशोधन। हे भगवान, देवी की मूर्ति कहाँ गई? वही तो हम भी जानना चाहते हैं। देवी की मूर्ति चुरा कर भोले बनते हो, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। महाराज, राजा यशोधन, आप मेरी बात तो सुनिए। ये समय बात करने का नहीं, तुम्हें दंड देने का है। महाराज,
तुमने मेरी रक्षा की? कौन हो तुम? मैं राजा विक्रम हूँ और ये है मुंजा। मुझसा नहीं कोई दूजा। क्या महाराज विक्रम? ओह महाराज विक्रम, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, ये तो सब देवी की चोरी हुई मूर्ति के कारण हुआ है। लेकिन देवी की मूर्ति चुराई किसने? ये तो अभी पता चल जाएगा। रे अंगूठी, जल्दी से इस रहस्य से पर्दा उठाना। कहाँ गई देवी की मूर्ति ये बताना। हमें किसी भी कीमत पर देवी की मूर्ति को छुड़ाना ही होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। फिर एक दुष्ट जादूगर से सामना, लगता है इसे भी सबक सिखाना पड़ेगा। मुंजा, हमें अभी उस जादूगर के पास चलना होगा। जो आज्ञा महाराज। चिंचिनाती बुबला भू, मंतर झू मंतर झू, आखिरकार मेरा सपना पूरा होने वाला है। अब मैं देवी से इतना सारा सोना मांगूंगा जिससे मैं एक सोने का महल बनवाऊंगा, रावण की लंका से भी बड़ा। रावण की लंका की तरह तेरी ये लंका भी जल जाएगी। मंत्र छू मंत्र छू। तूने देवी की मूर्ति चुराकर बहुत बड़ा पाप किया है और तुझे इसकी सजा मिलेगी जादूगर। बहुत बोल चुके तुम लोग, आज तुम लोग नहीं बचोगे। मंत्र छू मंत्र छू, चिंचिनाती बुबला भू। आओ आओ मारो मुझे, नहीं पाओगे तुम। छू मंत्र छू मंत्र छू। मुंजा, ये कैसी माया है? मंत्र छू मंत्र छू, शिंचिनाती बुबला भू। कहाँ देख रहा है तू? मंत्र छू मंत्र छू, शिंचिनाती बुबला भू। मुझे महाराज की रक्षा करनी होगी। महाराज, ये रहा असली जादूगर। अंतरिक्ष में फेंक दो, जहां से यह फिर कभी वापस ना लौट पाए। मंत्र छू
राजविक्रम, आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मुझे क्षमा करें महाराज, दूसरों की रक्षा के लिए जो आपने प्राण संकट में डाले वो सच में सबसे अधिक दयालुता और दानवीरता है, और आपसे बड़ा दयालु और दानवीर राजा कौन हो सकता है। देखा, मेरे महाराज विक्रम जैसा दयालु और दानवीर।